कहीं कहीं कोई परेशानी है तो बताइए, उसको सुधार किया जाएगा इसी पर, और तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, विपक्षी एकजुटता की बात हो या नहीं? नहीं, विपक्षी पर नहीं हुआ कि हम लोग एकजुट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहे हैं और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए। क्या सभी विधायकों को बुलाया गया था या कुछ खास विधायकों को ही बुलाया गया? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। क्या पूरा नाम थे, कितने लोग? क्या पूरा नाम लिखते हैं? हम कृष्ण मुरारी सर उर्फ प्रेम कुमार, मेरा नाम है प्रेम कुमार, नाम से सब जानते हैं। यूसीसी पर सीएम ने कुछ बोला क्या? यूसीसी पर क्या स्टैंड है सीएम का? कौन चीज पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम का क्या स्टैंड ना? उसके कोई बात नहीं कहा ना, सिर्फ मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, क्या आपके क्षेत्र में कहीं अगर कोई परेशानी है, किस तरह का दिक्कत है तो उसको बतलाइए। ठीक है, ठीक है। यूसीसी हो या फिर अन्य मुद्दे हो गठबंधन के साथ, कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है। और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए, कोई कठिनाई हो तो हमसे भी संपर्क। ये भी कहा चुनाव कभी भी हो सकता है, तैयार रहने के लिए? ऐसा कुछ नहीं। एक बाढ़ का जो समय शुरू हो गया, आप लोग का भी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, कई तटबंधों का दबाव देखते हैं, अभी से ही शुरू हो गया है? नहीं, अभी वैसा कोई खतरा नहीं है और जल संसाधन विभाग जो है पूरी तरह तत्पर है। और बाढ़ के पूर्व का जो तैयारी होता है वह तैयारी जिला स्तर पर भी किया गया है, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री से लेकर के सभी विभाग के इंजीनियर सभी लोग लगे हुए हैं और कहीं अभी तटबंध पर कोई खतरा नहीं है और सभी लोग मुस्तैद है। और बाढ़ से पूर्व दावा हर बार होता है लेकिन पिछले साल बहुत होता है। लेकिन एक बात तो आप भी जान लीजिए ना कि बाढ़ में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बांध टूटता है, बाढ़ आते हैं, लेकिन उसके पहले का जो तैयारी है, अब जो पानी नेपाल से छोड़ा जाता है, कितना छोड़ा जाता है, कितना बरसात होता है, तो वो तो उस पर निर्भर करता है ना। अब बांध का भी एक क्षमता होता है तो वो जितना दबाव झेल सकता है झेलता है, उसके बाद अगर कहीं इस तरह का घटना घटती है तो उसकी तैयारी पहले से रहती है और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है।